माई डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 इंग्लिश का लेसन 10 द फॉरेस्ट कोड, आज हम करेंगे इसके बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर। देयर लिव टू ब्रदर्स इन, जो दो भाई थे वो कहाँ रहते थे, गांव में। नेम ऑफ एल्डर ब्रदर वाज, जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था, योगी चंद। एल्डर ब्रदर वाज, जो एल्डर ब्रदर था वो कैसा था, हार्ड वर्कर, वो काफ़ी मेहनती था। द यंगर ब्रदर वाज, जो यंगर ब्रदर था छोटा भाई तो वो कैसा था, कनिंग, चलाक। वन डे योगी चंद सा लाइफ साइज स्टैचू ऑफ, एक दिन योगी चंद ने लाइफ साइज का स्टैचू देखा, किसका, रोयन का। ट्रू फॉल्स आगे देखिए। वंस देयर लिव टू ब्रदर्स इन अ विलेज, एक बार गांव में दो भाई रहते थे, यस। द आइडल वाज लेजी एट वर्क, जो बड़ा भाई अपने काम में लेजी था, नहीं, छोटा भाई था लेजी, आलसी। द यंगर ब्रदर्स नेम वाज गोपी चंद, जो छोटे भाई था उसका नाम गोपी चंद था, यस। योगी चंद सा अलोन सीटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, योगी चंद ने लोयन को प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ देखा था, नहीं, प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं आई कहीं। द फॉरेस्ट गॉड वाज हैप्पी विद गोपी चंद, जो जंगल का राजा था वो गोपी चंद से हैप्पी था, नहीं, वो योगी चंद से हैप्पी था। तो यहाँ पर हम पास करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ योगी चंद एंड गोपी चंद, उनके एटीट्यूड, गोपी चंद और योगी चंद के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस था। योगी चंद वाज हार्ड वर्कर, योगी चंद काफ़ी हार्ड वर्कर था, वाइल गोपी चंद वाज कनिंग, और जबकि जो उसका छोटा भाई गोपी चंद था वो काफ़ी चलाक था। हु वाज आइडल, गोपी चंद और योगी चंद कौन बड़ा था, योगी चंद। व्हाट डिड गोपी चंद डू टू अर्न हिज लाइवलीहुड, उसने अपने जीविका कमाने के लिए क्या करता था, जो उसका छोटा भाई था गोपी चंद वो पैसा कमाने के लिए क्या करता था। ही वुड चीट पीपल बाय हिज ट्रिक्स, वो लोगों को चीट करता था अपनी चालों से। व्हाट डिड योगी चंद डू द अर्न हिज लाइवलीहुड, और योगी चंद अपनी जीविका, अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए क्या करता था। ही कुट वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में से लकड़ियाँ काटता था, एंड सॉर्ट इट इन द टाउन टू अर्न हिज लाइवलीहुड, और उसको शहर में अपनी जीविका को, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए उसको शहर में बेच आता था। और फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड योगी चंद सी इन द फॉरेस्ट, योगी चंद ने जंगल में क्या देखा। अ लाइफ साइज स्टैचू ऑफ अ लायन, उसे एक लाइफ साइज का बहुत बड़े साइज का एक स्टैचू देखा था, लायन का स्टैचू देखा था। आगे देखिए, मेक सेंटेंस यूजिंग द फ्लोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स का यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाने हैं। कनिंग, हिज सिस्टर इज वेरी कनिंग, उसकी सिस्टर बहुत चलाक है। डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड टू सी योर परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर बहुत ही हैप्पी हूँ, डिलाइटेड हूँ। ट्रैप्ड, ही गॉट ट्रैप्ड इन हिज ट्रिक, वह अपने चाल में ही फंस गया। ग्रीड, ही वाज डाइड, वह मरा बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, अपने लालच के कारण वो मरा था। ये देखिए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इन टू फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ गिवन बिलो, हमें फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस में चेंज करना है। द गार्डनर इज प्लांटिंग रोजेस, द गार्डनर विल बी प्लांटिंग, अब जब हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस की बात हो गई तो हमने विल बी और वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करना है, रोजेस। द गार्डनर विल बी प्लांटिंग रोज। आगे देखिए, द गर्ल्स आर सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट, द गर्ल्स विल बी सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट। आई एम राइटिंग एन एसे, आई विल बी राइटिंग एन एसे। रवि इज लुकिंग हैप्पी टूडे, रवि विल बी लुकिंग हैप्पी टूडे। आई एम ईटिंग अ सैंडविच, आई विल बी ईटिंग अ सैंडविच। आगे एक डिग्री है हमारी, ये हमारी पॉजिटिव है, ये कंपेरेटिव है, ये सुपरेटिव है। ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, गुड गुड बेटर बेस्ट, टाल टालर टालेस्ट। ओके, हैव अ नाइस डे।